तो कैसे हो मेरे चटोरों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मिल्क केक। घर में सिर्फ दूध हो, नींबू हो और एक कटोरी चीनी हो और हलवाई से भी बढ़िया मिल्क केक घर पे बन जाए। छुट्टी का दिन हो, आपको हो मन घर पे मिठाई खाने का लेकिन मिठाई लेने नहीं जा पा रहे हो, तो फटाफट से घर पे बना लो ये आसान से तरीके का मिल्क केक जो घर में फेल कर देगा सारे हलवाइयों को। और हाँ दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला है यूट्यूब का, जिसमें हमने ढेर सारी ज़बरदस्ती सबसे आसान दुनिया की डिशेज डाली हैं, तो हमारे यूट्यूब पेज पे ज़रूर जाइए। और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दुनिया की सबसे आसान रेसिपीज हर वक्त आपकी स्क्रीन तक लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना बढ़िया मिल्क केक। बनाने के लिए सबसे पहले हमने गाय का दूध ले लिया है, तकरीबन 1.5 लीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने ये 1.5 लीटर इसलिए लिया है क्योंकि हमारी कढ़ाई में इतनी ही जगह थी, आप जितना दूध लेना चाहें उतना दूध ले सकते हैं। हमने लिया है गाय का दूध जो कि अमूल कंपनी का है, और इसका लेने का मकसद ये है कि इसमें फैट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और गाय के दूध का पनीर काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी होता है सेहत के लिए। तो अब हमने अपना सारा दूध खोल के अपनी कढ़ाई में डाल लिया है और तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख लेना है। 30 मिनट पे रखने का मतलब है कि 30 मिनट के बाद अंदाजन ये दूध बॉयल होके हाफ क्वांटिटी का हो जाएगा, यानी कि अगर हमने 1.5 लीटर दूध लिया है तो तकरीबन 750 ml के आसपास हो जाएगा। इसको हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि आपकी रेसिपी जल्द से जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन हाई फ्लेम पे रखते वक्त आपने एक चीज़ का खासा ख्याल रखना है, वो ये कि आपकी कड़छी हर वक्त चलती रहे ताकि दूध नीचे से जले ना और ये लग ना जाए। इससे अगर आप बार बार हिलाते रहेंगे तो स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और दूध अच्छी तरीके से कड़ा हुआ आपको नज़र आने लगेगा। अब हमने हाई फ्लेम कर दिया है और अपनी कड़छी को चलाना शुरू कर दिया है, तकरीबन 30 मिनट के बाद अंदाजन ये हाफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हो गए हैं लगभग हमारे 25 मिनट और हमें लग रहा है कि ये हाफ तो नहीं, उससे थोड़ा ही ज़्यादा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको 5-10 मिनट और पका लिया जाए तेज़ आंच पे और बार बार इसको हिलाते रहें ताकि ये क्वांटिटी वाइज आधा हो जाए और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाए। दोस्तों खास बात बताऊँ आपको इस मिल्क केक की, ये सेहत के लिए एकदम प्योर होता है क्योंकि इसमें दूध बहुत देर तक कड़ चुका होता है और दूध का प्योर प्योर कण इसमें रह जाता है। तो चलिए इसको हिलाते हैं 5-10 मिनट और, जब तक ये हाफ क्वांटिटी में आ जाए और हमारे को ये स्वाद देने के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं दोस्तों, हमने इसमें 2 इलायची खोल के डाल ली हैं ताकि इसमें इलायची का बेहतरीन स्वाद आ जाए। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच घर पे बची हुई दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, इससे बढ़िया पन आएगा इस मिल्क केक में और चिपचिपाहट बनी रहेगी और सूखा सूखा सा ड्राई नहीं लगेगा। तो चलिए, हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच अपनी घर की मलाई डाल ली है और अब इसको 35 मिनट तक उबाल के आधी क्वांटिटी में कर लिया है। दोस्तों आधी क्वांटिटी के साथ साथ ये इतना अच्छा गाढ़ा भी हो गया है कि इस वक्त हमारे पूरे घर में इसी की खुशबू आ रही है। तो चले, अब लगता है अगर ये आधा बॉयल होके हो चुका है तो आगे की प्रतिक्रिया को शुरू किया जाए। जैसे ही हमें इसका पर्याप्त मात्रा का गाढ़ापन मिल गया है, हमने इसमें तकरीबन 2 चम्मच घर पे ही पड़े नींबू के डाल लेने हैं। आप चाहें तो सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, नींबू हर किसी के घर पे होता है और हमने घर की ये स्वादिष्ट रेसिपी आपको दिखाई है इसलिए हमने घर पे ही बनाना सिखा दिया है आपको। तो भाई, हमारे तो 2 चम्मच नींबू अब इसमें चले गए हैं। अब ये नींबू की मदद से दानेदार होने लग जाएगा एकदम पनीर के जैसा। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है नींबू डालते ही, और इसमें मिल्क केक के दाने आने शुरू हो गए हैं। तकरीबन अब इसको और 35 से 30 मिनट पकाना पड़ेगा, ये एकदम सूख के दानेदार हो जाएगा, इसका दूध एकदम ख़त्म हो जाएगा, आप देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब नींबू डाले हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये कैसे एकदम दानेदार हो चुका है। इसको ऐसे ही धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट और पका लेंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल मिल्क केक जैसा कलर छोड़ने लगेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि कड़छी को आप हर वक्त घुमाते रहें ताकि ये चिपके नहीं।
हमने इसको आधे घंटे तक अब पका लिया है और नींबू डालने के बाद, और अब आप देख सकते हो हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने 100 से 125 ग्राम चीनी इसमें डाली है। 1.5 लीटर दूध में 100 से 125 ग्राम चीनी काफ़ी हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और सिर्फ 5-1 मिनट और पका लें ताकि इसका अच्छा कलर भी आ जाए और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे मिश्रण में। दोस्तों ये थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मिल्क केक पर्याप्त मात्रा में तैयार हो चुका है। दोस्तों ये एकदम नींबू डालने के बाद हमने पका लिया है 30 मिनट तक और इसमें 2 चम्मच हमने डाल देने हैं देसी घी के। देसी घी बिल्कुल भी इसे चिपकने नहीं देगा प्लेट या किसी भी चीज़ पे जहां हम इसको ठंडा करेंगे, और ये सूखे सूखे से फीलिंग भी नहीं देगा और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही होगा अगर ये देसी घी प्योर है। हमारा देसी भी एकदम प्योर घर पे ही निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारा मिल्क केक अब पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो हमें एक कंटेनर या किसी भी प्लेट को ग्रीसिंग कर लेना है। जिस भी शेप में आप चाहते हैं उसी शेप की प्लेट या कंटेनर लेके प्लेट को ग्रीस कर लें और ग्रीसिंग वाली प्लेट में हमारा ये मिश्रण डाल लें। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट या फिर बादाम भी ऐड कर सकते हैं जो हमने कर लिए हैं। अब हमने जो प्लेट ली है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ये सारा मिक्सचर अपनी उस प्लेट में डाल लेंगे। दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से घर पे मिल्क केक भी बन सकता है। ना बाहर से कोई सामान लाने का झंझट, ना कुछ, और हलवाई के हाथ भी हो जाए फेल। ये है घर का सबसे आसान मिल्क केक। तो चलिए हमने अपने कंटेनर को कर लिया है ग्रीस, तो अब हम इसमें सारा मिश्रण डाल देंगे। देखिए दोस्तों हमने किस तरीके से सारा मिश्रण डाल के उसको आराम से सेट कर लेना है। सारा मिश्रण ध्यान डालते वक्त ध्यान रखें कि आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप सेटल हो जाएगा एक ही शेप में विद इन 1 मिनट। आपने कुछ टेंशन नहीं लेनी कि यार ये तो बर्फ़ी वाली शेप ही नहीं आ पा रही है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसी भी शेप देना चाहो आप वैसी दे पाओगे इसको, ये इतनी अच्छी और खूबसूरत कंडीशन में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमने अपना सारा मिश्रण इस प्लेट में निकाल लिया है और अब प्लेट से नीचे टप टप करके इसको सेट कर लेंगे जो भी शेप हमने देनी है। हमारी डिज़ायर्ड शेप लगभग आ चुकी है, तो अब हम इसको सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे साइड में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और कटने में आसान भी रहे। तो चलिए दोस्तों हमारी शेप जो हमारे को डिज़ायर्ड थी वो मिल चुकी है, तो अब हमने इसको कवर कर लेना है। कवर कर ले लेंगे हम इसको सिल्वर फॉयल से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कवर करने का क्या मकसद है। दोस्तों कवर इसलिए कराया कि इसकी भाप से अभी ये और पकेगा और अंदर से जो आपने देखा है इसका थोड़ा सा डार्क कलर होता है, ये इसीलिए डार्क होता है क्योंकि ये अब सिल्वर फॉयल की मदद से अंदर ही अंदर पकता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हमारे लगभग अब आधा घंटा हो चुका है, तो हम अपनी पैकिंग को खोल लेंगे और देख लेंगे कहाँ तक इसकी कहानी पहुँची है। भाई खुशबू तो दूर से ही इतनी अच्छी आ रही है कि मानो मिल्क केक पे बस झपट्टा ही मार दूँ, मैं तो हूँ दुनिया का भैया सबसे बड़ा चटोरा। तो मिल्क केक हमारा सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और जो भी आकार देने का मन है वही आकार दे देंगे। दोस्तों अब हमने इसको दूसरी प्लेट में निकालने से पहले ही आकार देना शुरू कर दिया है। हम एकदम राउंड शेप इस आकार में इसलिए कर रहे हैं ताकि एजिस से निकल जाए और हमारे को इजीली दूसरी प्लेट में जहां हम काट के रखना चाहते हैं वहां पलट लिया जाए। तो अब हमने इसको कोई भी शेप दे के दूसरी प्लेट में डाल लेना है। दोस्तों आप चाहें तो इसे राउंड शेप में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं। मुझे स्क्वायर में रखने का मन था इसलिए अभी मैं इसको राउंड से स्क्वायर में चेंज कर लूँगा और आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे इजीली इसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसकी थिकनेस तो आपने देख ली, बिल्कुल बर्फ़ी वाली लुक भी आ गई है। इसको डाल लिया जाए दूसरी प्लेट में। मैंने इस पूरे मिश्रण को दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है और अब मैंने इसको स्क्वायर शेप दे दी है अपने चक्कू की मदद से बहुत प्यार प्यार से दबा के, और जो भी डिज़ायर्ड शेप आपको चाहिए थी आप भी दे सकते हैं। अब मैं इसको काट लूँगा अपनी डिज़ायर्ड शेप के हिसाब से और फिर क्या है, आप जैसा खाते थे हलवाई के हाथ का मिल्क केक उससे भी बढ़िया मिल्क केक अब आपके घर पे बन के तैयार हो चुका है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा घर पे सिर्फ दूध, चीनी और एक नींबू की मदद से इतना बढ़िया मिल्क केक भी बन सकता है। तो चलो मेरे चटोरों इस मिल्क केक को फटाफट से खा लो, कर लो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, और कर लो हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो। हम चलते हैं दोस्तों।
हाँ बने रहे ऐसे ही हमारे साथ, हम ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया डिशेस लाते रहेंगे। आपका मिल्क केक एकदम बनके तैयार है, खा लीजिए और मजा लूट लीजिए। हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय कीजिए, पूरी कटिंग को देख लीजिए और हमारे इस मिल्क केक को भी देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, शेयर करना मत भूलना, जिसको भी मिठाइयाँ पसंद है उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना, ताकि वो भी बेचारा अपने घर पर बढ़िया सी मिठाई बना के खा ले और आप सभी को अच्छी दुआएँ दे। हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।